वेलकम बैक। ब्रेक से जो है वो हम अभी वापस आ गए हैं, तो आए मजीद और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? समरा। आपका नाम? अदील। अमजद। क्या करते हो? वाटर फिल्टर। मैं EFI टेक्नीशियन। हाउस वाइफ। ये आप दोनों आपके बेटे हैं? एक बेटा एक दामाद। माशाल्लाह। ओके जी, ठीक है। कितने अर्सा हो गए इनको बींग अ दामाद? अभी 6 माह हुए। 6 माह हुए। अच्छा, कितनी खूबियां पता चली और कितनी खामियां? अभी तो माशाल्लाह खूबियां ही खूबियां। और आप बताएं, खुश हैं आप? जी बिल्कुल। एंजॉय करते हैं इन लोगों के साथ? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। आपके सामने देखें, फैमिली लगती है जी। बिल्कुल, थर्ड प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम ये वाला। अच्छा, हाँ जी। ये इन फैमिली है, आउट ऑफ फैमिली से? इन फैमिली। अच्छा, चले जी, इसलिए शक्लें भी मिल रही थी। सवाल करते हैं आपसे, मुझे बताएं समंदर के ऊपर क्या है? समंदर के ऊपर आसमान ही है। तो हमारे ऊपर भी है, मॉल के ऊपर भी है, समंदर के ऊपर भी है। समंदर के ऊपर शिप चलता है, वो डूब भी जाता है। वो चीज सिर्फ ऊपर है। पानी। ये माइक पकड़ो। इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो। हिंट। हिंट पूछो। मुझे नहीं। पूछो ना, साइज क्या है ये, वो इस तरह की बातें पूछो। अच्छा, तो बताऊंगी। तो उसका वेट है? वेटफुल चीज है वो? कोई नहीं, वेट भी नहीं है उसका। फिर पानी है इसके अलावा और कोई है जो समुद्र के? नहीं समझ आ रहा। आपके लिए पानी के समुद्र के ऊपर रेत ही होगी। आप बताएं। हम उसको चाहें तो खत्म भी कर सकते हैं, पर लोग हमें गलत कहेंगे। मछलियाँ। मछलियाँ खाना हमारा हक है, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? जी, आपको भी पता होता तो ज्यादा आप समुद्र पे रहती है। हाँ, मैं दोबारा करती हूँ, समंदर के ऊपर क्या है? समंदर के ऊपर जमीन है। समंदर के ऊपर जमीन है, पक्की गल है? हाँ जी। अच्छा, लोग हैं समंदर के ऊपर, लोग भी चलते हैं समंदर के ऊपर। इतनी ताकत है हमारे हाथ में कि हम उसे चाहें तो खत्म कर सकते हैं, मगर लोग हमें गलत कहेंगे, दुनिया हमें गलत कहेगी। समंदर के ऊपर तो बुर्ज खलीफा बना हुआ है। खत्म कर। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। बाहर मत निकलो। सवाल पता नहीं कहाँ से ले आती। ये मेरी ओनर टीम लेकर आती है, मैं नहीं लाती। सवाल का क्रेडिट सिर्फ पूरी टीम को जाता है। पर सवाल सिर्फ इस तरह के होते हैं, जानवरों टाइप ही होते हैं सवाल। ये जानवर क्या था इसमें? आपसे कुछ और पूछ लेती, वो भी नहीं आना। चलिए पूछ ले, कुछ और पूछ ले। चलो मैं कुछ और पूछ लेती हूँ, लॉजिकल सवाल पूछूँ वो शायद आ जाए। हमारी आँख का जो लेंस है वो कितने मेगापिक्सल का है? फुल HD। 6.5। ये क्या होता है फुल HD? मेगापिक्सल बताओ। मेगापिक्सल आप बताओ ना, टेक्निकल जानवरों से हटके किया है। सवाल मुश्किल मुश्किल लगती है। 6.5 क्या? 6.5 बहुत कम बता रहे हो, 50 के तो हमारे ये कैमरास वगैरह, मोबाइल और दूसरे डिजिटल कैमरास भी हैं, तो ये तो इंसान का आंख का लेंस है। फुल HD से आगे कुछ भी नहीं है इसके आगे। हाँ, फुल HD लग रहा हो। क्या सुनाएंगे आप? मैं सॉन्ग सुनाऊंगा। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैके, अख नाल अख नू मिला के। वेरी नाइस। और आप क्या अच्छा पकाती हैं? यस मैम। क्या अच्छा पकाती हैं? माशाल्लाह सब कुछ अच्छा। रेसिपी बताएं। बिरयानी कौरमे की बना देते हैं। एक कौरमे को पहले प्याज को फ्राई करके, तो उसमें फिर प्याज निकाल के मुर्गी को फ्राई करना है। मुर्गी को फ्राई करके फिर प्याज को टमाटर को सब कुछ ग्राइंड करके उसको डाल के, तो अच्छी तरह भून के, तो नमक मिर्च डाल के फिर उसके सर्व कर देना नान से। चलो, आपके क्योंकि 3 प्रोग्राम हो चुके हैं, आपको जवाब नहीं आया, तो मैं आपको बताती हूँ कि समंदर के ऊपर नुक्ता है। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। और दूसरा वाला खुद सर्च कर लेना। हमारे यहाँ का जो लेंस है वो 576 मेगापिक्सल है। जी, इनको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये 3 दफा प्रोग्राम में आए हैं और इनको कुछ नहीं आया, और ये हमेशा कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, हम जवाब नहीं दे पाते, एंड ऑल लेम एक्सक्यूजेस।
تو اس لیے میں نے آج ان کو جواب بتا دیا. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ اصغر خان جی. کیا کرتے ہیں؟ ہم بزنس کرتے ہیں لیکن آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اور سارے بھی علینا. بہت شکریہ. کس چیز کا بزنس ہے؟ سویٹ کا. واؤ ویری نائس. چلے جی یہیں پہ مال میں ہی ہے؟ نہیں ادھر ٹون شپ میں ہے. اچھا ویری نائس. میری مٹھائی کیوں نہیں لے کے آئے؟ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ادھر آ رہی ہیں آج. کوئی بات نہیں. چلے سوال کریں. کریں جی. مجھے بتائیں کہ ایک آدمی ہے وہ باہر بارش میں گیا ہے مگر اس کے بال گیلے نہیں ہو رہے, کیوں؟ وہ گاڑی میں گیا ہوگا. پیدل ہے, بارش کے نیچے کھڑا ہوا ہے, اس کے پاس امبریلا بھی نہیں ہے اور اس کے بال گیلے نہیں ہیں, چھتری بھی نہیں ہے, اس کے بال نہیں ہوں گے. اس نے تالیاں بجائیں اپنے لیے. کیا سنائیں گے؟ میں شعر سنا دیتا ہوں. میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. زبردست. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. شکریہ. بچوں کو ہیلو. ذرا کوشچن آسان پوچھا کرے آپ. اچھا جی. مشکل کوشچن پوچھتے ہیں. چلے جی میں کہہ دیتی ہوں ٹیم کو. ٹھیک ہے جی. ایک اور دوبارہ سے ریکویسٹ آ گئی ہے آسان سوالوں کی, تو ٹیم اب تھوڑے آسان سوال نکال لو. لوگوں کو کچھ نہیں آنے والا. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میڈی. میڈی کیا کرتے ہیں؟ میں مال میں جاب کرتا ہوں. زبردست. اوکے. آنکھوں کا کلر ریئل ہے یا لینز ہے؟ نہیں ریئل ہے. گڈ. کس پر گیا؟ اماں پہ ابا پہ؟ دونوں کی محنت تھی, رنگ آئی. پر کس کی آنکھیں کا کلر ہے یہ؟ میرے دادے کی ہیں. اچھا دادا ابو کی ہیں. یہ نہیں پتا, محنت وہ کر رہے تھے رنگ. حیات ہے؟ ہاں ماشاء اللہ. اوکے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہری ہے نا آنکھیں؟ ہری سے ہری نہیں ہے میری آنکھیں. غور سے دیکھیں ذرا. ہری ہیں. اتنا بھی نہ دیکھیں. اوکے چلو جی سوال کرتی ہوں. مجھے بتاؤ مرد اور عورت میں سے کس کے منہ میں 38 دانت ہوتے ہیں؟ یو ہیو اونلی ون چانس, تو سوچ کے بتانا کیونکہ ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا, تو آپ نے ایک بتانا ہے. کتنے ہوتے ہیں؟ 38 کس کے منہ میں ٹوٹل نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ مرد اور عورت کے منہ میں سے ایک کے منہ میں 38 دانت تو نہیں ہوتے, 32 ہوتے ہیں. پنجابی میں تیرے 32 دانت توڑ دوں گا مکا مار کے. تو سوچو بھی کس کو کہتے ہیں. عورت کو تو نہیں کہتے ہوں. ہاں لڑکے کو کہتے ہیں. کس کے ہوئے؟ ویسے 32 ہوتے ہیں. صحیح جواب دے رہے. کلیپنگ کرو جی. کیا سناؤ گے آج؟ میں نا تھوڑا ڈیفرنٹ کروں گا. کیا؟ آج میں آپ کو ٹارگیٹ کروں گا. بری بات. میں آپ کی میمکری کرنا چاہتا ہوں آج. اچھی کرنا. اوکے اگر بری لگے تو بتا دینا. ویسے اسٹارٹنگ والی کروں کہ بیچ والی کریں؟ جیسی مرضی, اچھی ہونی چاہیے. ہیلو السلام علیکم. ہم آئے ہیں امانہ مال میں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے مال ٹون لنک روڈ میں امانہ مال ہے اور ہمارا جو شو ہے وہ ہے بوجو تو جیتو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں, ڈفرینٹ ڈفرینٹ سوالات کریں گے اور بڑے مزے مزے کے گفٹ دیں گے لاہور نیوز کی طرف سے. شکریہ. اب ہم چلتے ہیں ہمارے ایک گیسٹ کی طرف جن سے ہم کریں گے سوال. السلام علیکم. میں نے کب ایسے کیا؟ اب میں شو کر رہا ہوں. السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ علینا. آپ مال میں کیا کرنے آئی ہیں؟ شاپنگ کرنے. کیوں؟ میرا دل کر رہا تھا. دل کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ آج مجھے پیسے ملے تھے. واو کلیپنگ کریں اپنے لیے. جی آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں گی. ایک سیکنڈ آپ ادھر آ جائیں. صحیح آ رہا ہوں. اوکے ہاں مجھے وہ بتائیں وہ ایسا کون سا جاندار ہے جس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے؟ جس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں؟ نہیں. جو بوڑھا ہو چکا ہو؟ نہیں. چڑیا؟ نہیں. پتہ نہیں. وہ ہے میری دادی. کلیپنگ کریں اپنے لیے. آپ کا سوال غلط ہے. چلیں اب آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں. بتاتی ہوں یہ مجھے پہلے تو تم بتاؤ میں نے کب ایسے کیا. شروع میں جب میں نے دیکھا نا تین چار کلپ جب غلط دیکھا میں تو کر کے بہت. نہیں نہیں جب آپ لاسٹ ٹائم گئی تھی نا وہ چڑیا گھر میں. نہیں آپ نے ہائی ہیلز پہنی جہاں پہ آپ ذرا سے یوں کر کے بھی ہلی تھیں. بات تو یہ کیا بڑا غور سے دیکھتے ہیں. کیا سنائیں گے؟ ہم آپ کو نہیں دیکھیں گے تو کس کو دیکھیں؟ مگر آپ نے ایسے بھی نہیں کرتی. میں چلیے کیا سنائیں گے آج تھوڑا فنی سا سانگ ہے کیونکہ سردیاں ہیں تو ایک وہ نصیب و لال کا سانگ ہے سانو سوچاں دیاں دے گیا سوگاتا. سنا ہے آپ نے؟ آپ سانگ سنتی ہیں؟ اچھی نہیں مجھے لگا شاید سارا دن تو آپ بزی رہتی ہیں شو کرنے میں تو شاید ٹائم نہ ملتا ہو. سوری آج میں ذرا اچھا سانگ تھوڑا فنی اس میں چینجنگ کی ہے. ہمیشہ سانگ سنا سنا کے میں نے کہا چلو اس مرتبہ تھوڑا چینج.
सॉन्ग कुछ इस तरह है कि मियां बीवी की लड़ाई हो जाती है, झगड़ा होता है, अलग हो जाते हैं, उसके ऊपर सॉन्ग बना है। सानू सोचां दियां दे गया सुगातां, वड्डा मुंडा नाल लै गया, हाय वड्डा मुंडा नाल लै गया, ओ जिहड़ा लांदा सी लूमां उत्ते रातां, वड्डा मुंडा नाल लै गया, सानू सोचां दियां दे गया सुगातां। Amazing, Maddie, amazing. You're such an entertainer. Very nice. Lord News ki taraf se aapke liye. Thank you. Lekin aise nahi karti main. लेकिन बट थोड़ा सा मैंने उसमें चेंजिंग किया था, तो हम बेसिकली एंटरटेन कर रहे हैं तो आवाम को भी एंटरटेन करना। मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू जी। मैडी ने सच में इतना एंटरटेन किया मुझे लगता है जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं ये उसमें बहुत ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन था। और क्योंकि अच्छा किया कि उसने एंड पे ये क्लियर कर दिया कि उसने जानबूझ के चेंजिंग की थी इससे पहले कि मैं इंटरव्यू बंद करती। और इसको मेरी टीम, मेरे प्रोड्यूसर, मेरी एसोसिएट प्रोड्यूसर खिजरा नहीं भाई, हम पकड़ के उसकी जो है धुलाई करते हैं। मगर वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा उसने जो खास तौर से सॉन्ग में जो चेंजिंग लेके आया, ही इज़ वेरी टैलेंटेड नो डाउट। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमाद। हमाद क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या? मैं मैस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। गुड। क्या बनना चाहते हैं? मैं इंशाल्लाह एंकर। एंकर कौन सा मेल एंकर पसंद? मुझे मेल एंकर में तो नहीं लेकिन फीमेल एंकर में पसंद है। अच्छा, ओके। वो क्या करती हैं? राबिया नाम न्यूज़कास्टर है। अच्छा, तो आपने न्यूज़कास्टर बना? जी। गुड। चलो जी, सवाल करो। जी करें। ओके, मुझे बता दो कि समंदर के ऊपर क्या है? समंदर के ऊपर आसमान है। समंदर के ऊपर परिंदे चहचहाते हैं। हर जगह होते हैं। समंदर के ऊपर नुक्ता। राइट आंसर। क्लैपिंग करो अपने लिए। क्या सुनाओगे मैसेज, कोई शेर? मैं मैसेज देना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा जो हमारी यूथ है उसके लिए मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अब्रॉड कंट्रीज जाते हैं, तो वो देख के बाहर का कल्चर अपना रहे हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ड्रग्स पर लग जाते हैं अर्ली एज में, अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, स्टडी वाले प्लेटफॉर्म से बिल्कुल साइड पर हट जाते हैं। मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप जब यूनिवर्सिटी में जाएं इस कल्चर को बिल्कुल ना अपनाएं, ड्रग्स वगैरह जैसी चीज़ से बिल्कुल दूर रहें, ये इंसान को बिल्कुल बर्बाद कर देती है। कम से कम अपने पेरेंट्स का सोचना चाहिए जो कि आपको पालते हैं, बड़ा करते हैं, वो आपको एक मुकाम पे देखना चाहते हैं, आपको उन्हें ये चीज़ का दुख नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। क्या उम्र है आप? मेरी 24। वेरी नाइस। इतनी छोटी उम्र में इतने मैच्योर कैसे हुए? बस लोगों को देख देख के। किसको देखा? मैंने सबको देखा, दुनिया को देखा, ये देखिए। चलो, तो तुम लोगों वैसे गुस्से वाले हो? थोड़ा बहुत, लेकिन फैमिली में ज्यादा गुस्से वाला मैं ही। नहीं हूँ। किस बात पे गुस्सा आता है? गुस्सा आता है जब कोई गलत बयान नहीं करे, इस चीज पे गुस्सा बहुत है। कैसे? कभी कोई किसी ने की होगी करके जब कोई भूल जाए, कोई बात से अपनी से हिल जाए, उस पर गुस्सा आता है। अगर कोई अपनी बात से जी। चले जी, वेरी नाइस। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए शुक्रिया बहुत। यू वेलकम जी। हमाद ने बहुत अच्छा जो है वो हमें मैसेज दिया। उम्मीद है कि वो बच्चे जो अपनी लाइफ जो है वो ड्रग्स और ऐसी चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं उनको ऐसे नहीं करना चाहिए और यकीनन उनको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जी नाजरीन, टाइम हो गया है एक छोटी सी मोटी सी बड़ी सी ब्रेक का। सदा सेवा ब्रेक।